तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के उस तबसरे पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए असद ओवैसी खानदान महाराष्ट्र से आए हैं MIM के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रेवंत रेड्डी RSS की जुबान बोल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा RSS लीडरों की तरह बोल रहे हैं जो हमेशा कहते हैं कि मुसलमान और इस्लाम हिंदुस्तान में बाहर से आए हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने जुमेरात की रात पुराने शहर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी पर जवाबी हमला किया। हम महाराष्ट्र से नहीं आए हैं, हम आदम की औलाद है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, आप कहां से आए हैं, ओवैसी ने रेवंत रेड्डी से सवाल किया। ये कहते हुए कि रेवंत रेड्डी के रिमार्क से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के सदर असद ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस लीडर ने मुसलमानों के तईन अपनी नफरत जाहिर की है। ओवैसी ने कहा कि जवानी में रेवंत रेड्डी ABVP के साथ थे और वहां से वो RSS और BJP में चले गए। उन्होंने दावा किया कि RSS की हिदायत पर वो TDP में शामिल हुए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 1999 में रेवंत रेड्डी ने BJP के किशन रेड्डी के साथ कारवान हलके में MIM के खिलाफ काम किया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की कि वो रेवंत रेड्डी जैसे लीडरों को अपने जोड़े में लेकर RSS की जुबान बोलते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के भाई और तेलंगाना असेंबली में MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी RSS से राब्ते के लिए रेवंत रेड्डी पर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस लीडर को चैलेंज किया कि वो भाग्या लक्ष्मी मंदिर में आए और हलफ ले ताकि वो अपने RSS से ताल्लुक को मुस्तरद करे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से भी पूछा कि उनकी माँ कहाँ पैदा हुई थी, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। राहुल गांधी के इस इल्जाम पर रद्द अमल जाहिर करते हुए MIM BJP की बी टीम है। MIM लीडर ने उनसे पूछा कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना में RSS के एक आदमी को अपना सदर क्यों बनाया। अब ये तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुम्बी को भी पर निकल गए। अब ये बोल दिया कि असदुद्दीन ओवैसी का खानदान महाराष्ट्र से आए। अरे दीवाने, हम महाराष्ट्र से नहीं आए, हम बाबा आदम यहां पर आए तो उनके हमारे अब्बा उन्होंने है, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। बाबा आदम यहां आए तो अब्बा की जमीन में बेटे का हक नहीं होगा क्या? तुम कहां से आए बताओ? मैं तो बाबा आदम का निस्बत बता दिया, बोलो तुम कहां से आए, किधर से आए? तो याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये लीडर जो तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है, इसकी ये जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये RSS की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया। ये सोच है इसके शरीर, इस जमात के सदर की, ये यहां के नहीं है, वो वहां के। यही तो RSS गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब से यही लिखे। क्या लिखा था गोलवालकर ने? वी और नेशन ऑफ डिफाइन में यही तो बात लिखी थी। RSS के सर संचालक के बयान पढ़ लो आप, पिछले 40 साल 50 साल पुराने, वो ये कहते कि मुसलमान इस्लाम इस मुल्क का नहीं है, बाहर से आए, तो वही जबान में ये कह रहा है कबूतर। मगर याद रखो, तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुमने तुम्हारे दिल और दिमाग पर जो नफरत है मुसलमानों के लिए, तुमने जाहिर कर दिया तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को, बता दिया कि तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो RSS की किताबों में जो जहर लिखा गया उसकी उसको तुम अपनी जबान से बोलोगे। तो याद रखो, हम RSS से 70 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, तुम नहीं करे। और ये कौन था ये सदर इनका? 1999 में आपको याद होगा जब मरहूम सैयद सज्जाद असेंबली का इलेक्शन लड़े, ये कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था
मैं देखा अपनी आंखों से इसको, इसको देखा मैंने कहां पर, ये गुड्डी मलकापुर की मार्केट उस वक्त का इलाका कारवान में था, वहां पर फिर रहा था किशन रेड्डी के साथ। अब हमको बोल रहे हैं, हमको सबक याद रखो, तुम्हारा पूरा सिजरा हमारे पास है, तुम कब थे 1999 में, तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकल कर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में थे तो आरएसएस ने कहा कि नहीं अब तुम चंद्रडू के पास चले जाओ जो जेल में है, तो चंद्रडू के पास गए, जब चंद्रडू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि मल्ले से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए,